हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद अफसाना। और आप सभी आज मेरे किचन में। फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है इंस्टेंट मावा, जो कि मैंने पनीर से बनाना बताया है। अगर आपके पास मावा नहीं है और आपको इंस्टेंट बनाना है, तो आप मेरी इस रेसिपी को पूरा देखें एक बार, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और पसंद आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन बटन होगा ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मावा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 100 ग्राम पनीर, मिल्क पाउडर लिया है यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच। यहाँ पे मैंने एवरीडे का मिल्क पाउडर यूज़ किया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। रोज एसेंस लिया है, आप इसकी जगह पे रोज वाटर भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल में पनीर को निकाल लेंगे इस तरीके से। अच्छे से इसे हमें मैश करना है। आप चाहे तो हाथों की हेल्प से भी इसे मैश कर सकते हैं, हाथों से ज्यादा अच्छे से इसे मैश हो जाता है और कम टाइम में हो जाता है। जब हम थोड़ा सा इसे मैश कर देंगे, उसके बाद हम इसमें मिल्क पाउडर मिलाएंगे। अभी मैं 2 चम्मच ही मिल्क पाउडर डालूंगी। जब तक हमारा अच्छे से ये क्रीमी ना हो जाए, हमें इसमें मिल्क पाउडर डालना है। बहुत ज़्यादा हमें मिल्क पाउडर इसमें नहीं यूज़ करना है, ज़रूरत के हिसाब से ही हमें यूज़ करना है। तो फिलहाल मैंने अभी 2 ही चम्मच डाला है और इसे अच्छे से हम मैश करेंगे। मुझे यहाँ पे थोड़े से मिल्क पाउडर की और ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैं 1 से 1.5 चम्मच और मिल्क पाउडर मिलाऊंगी। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे काफ़ी क्रीमी हमें करना है, आप अगर हाथों से मिक्स करें तो ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो ये देखिए, हमारा मावा यहाँ पे काफ़ी क्रीमी हो गया है, यानी कि हमारा मावा एकदम रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी रोज़ एसेंस, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है आप ना डालें, आपका मावा ऐसे ही रेडी है। 2 ड्रॉप के जितना मैं इसमें रोज एसेंस डालूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा मावा एकदम रेडी है, काफ़ी क्रीमी बना है ये। अगर आपको इसमें थोड़ा सा मिठास चाहिए तो आप इसमें पिसी हुई चीनी ऐड कर लें। आप इसे किसी भी मिठाई में फिल कर सकते हैं, आप छेने की मिठाई के ऊपर से रख सकते हैं, गुलाब जामुन पे लगा सकते हैं, कोई भी आप मिठाई बना रहे हैं उसके अंदर अगर आपको फिल करना है, इस पर मेवा मिलाएं, पिसी हुई चीनी मिलाएं, उसे फिल कर लें, काफ़ी अच्छा बनेगा। ये इंस्टेंट खोआ है, इंस्टेंट मावा है। अगर आपके पास खोआ नहीं है, आपको अर्जेंट है, तो आप पनीर से भी इस तरीके से खोआ बना सकते हैं। एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, काफ़ी अच्छा बनेगा। कैसा बना है, कैसे आपकी मिठाई में लग रहा है आपको, ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।